तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइस टी की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइस टी। तो जब भी आपका ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करे और आप चाय को अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप आइस टी बना के पीजिए, अपने आप को तरोताज़ा कीजिए और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 ग्लास आइस टी बना रही हूँ। तो 1 कप हम पानी लेंगे, उसमें आधी चम्मच चाय पत्ती। तो चाय पत्ती आप जो भी यूज़ करते हो वो आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी। तो हम टेबल स्पून से ही ले रहे हैं। अगर आप और ज़्यादा मीठा पीते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, बट हमने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चीनी को पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। तो जब तक हमारी चीनी अच्छे से घुल नहीं जाएगी और जो हमारी चाय पत्ती है वो भी अपना फ्लेवर कलर इसमें छोड़ने लगेगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों चाय पत्ती को अपना फ्लेवर छोड़ने में। तो आप देखते रहिए, मैं इसको घुमाती रहूँगी और इसका कलर भी आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है। तो हमारी चीनी पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो दीजिए, हमारी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है पूरी की पूरी, और जो हमारी चाय पत्ती है उसने भी अपना कलर और फ्लेवर मोस्टली छोड़ ही दिया है। तो मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ कि चीनी एकदम डिज़ोल्व हो गई है और चाय पत्ती जो हमारी है वो नीचे रह चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिज़ोल्व करने के बाद 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो अपना चाय पत्ती है वो अपना फ्लेवर इसमें पूरी तरीके से छोड़ देगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं जो चाय पत्ती है उसकी भी क्वांटिटी आपको ज़्यादा सी दिखने लगी हो, क्योंकि ये फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बोल में इसको स्ट्रेनर से छान लेंगे। तो लीजिए, हमारी आइस टी के लिए हमारी जो चाय पत्ती और चीनी का पानी है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर देंगे एक साइड और अपना यहाँ पे ग्लास रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास लिया और मैं 1 ग्लास ही आइस टी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ मिंट की पत्तियाँ। तो इसमें हम पुदीना की पत्ती डालने के बाद इसमें डालेंगे आइस क्यूब। आप बहुत ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हो तो ज़्यादा आइस क्यूब डाल सकते हैं, या चाय पत्ती के पानी को ठंडा करके डाल सकते हैं, और जो हम पानी ऐड करेंगे उसको भी ठंडा करके डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें चाय पत्ती का जो पानी है वो हम इसमें डाल देंगे। चाय पत्ती का पानी इसमें हमने डाल दिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे, तो वो भी आप ठंडा पानी करके इसमें डाल सकते हैं। इससे हमारा जो आइस टी है वो एकदम ठंडी ठंडी बनेगी। तो चाय पत्ती का पानी हो चुका, अब हम इसमें एक्स्ट्रा पानी डालते हैं। तो लीजिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम स्पून से इसको हिला देंगे ताकि जो मिंट का टेस्ट भी इसमें आ जाना चाहिए। तो लीजिए, हमारी आइस टी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से अपने ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 नींबू की स्लाइस और 1 छोटा सा पुदीना का बंच से इसको डेकोरेट कर दिया है, तो हमारा ग्लास भी बहुत खूबसूरत लगने लगा है। तो फ्रेंड्स, तरोताज़ा बने रहिए, चाय पीते रहिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए कि हमारा जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट कर चुका है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, घर पर रहिए। तो बाय बाय दोस्तों, लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।